हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है हैक्स, जो कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ किए हैं, तो वो मुझे यूज़फुल लगे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशली हैक, जो कि अब रेनी सीजन शुरू हो चुका है, काफ़ी लोगों को स्किन पर भी रैशेज आ जाते हैं, फेस के ऊपर या हमारे उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में भी काफ़ी कई लोगों को रैशेज हो जाते हैं और दाने दाने से निकल जाते हैं, जो कि अधिकतर लोगों को बारिश के ही मौसम में होते हैं। मैं एक ही चीज़ से आपको हैक्स बताने वाली हूँ, जो कि आपकी घर में भी उपलब्ध है और आप उसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन हमें पता ना होने के कारण हम उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब उसको यूज़ करने के बाद में आपको वेस्ट नहीं करना है, और आज मैं आपको उसी से हैक्स बताने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, और मैं आपको बताती हूँ हैक्स। जो पहला हैक है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को बारिश के टाइम पर और सर्दियों के टाइम पर आँखों के जब वो सोकर उठते हैं तो आँखों पर फ्लफीनेस लगती है, आँखें सूजी सूजी लगती है, आँखें रेड रेड हो जाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ। आप अपने घर में ग्रीन टी का तो यूज़ करते होंगे। जी हाँ, आज जो हैक लेकर आई हूँ मैं, वो ग्रीन टी के साथ में लेकर आई हूँ। जी हाँ, मेरे पास में ये जो टी बैग्स हैं वो यूज़ किए हुए हैं मैंने। उन्हें यूज़ करने के बाद में एक इस तरह छोटे से डब्बे के अंदर उनको रख दिया, फ्रीज़र के अंदर, डीप फ्रीज़र के अंदर रख दिया और उनको ठंडा होने दिया। जब सोकर हम उठते हैं तो आपको उन टी बैग्स को अपनी आँखों पर रखना है। मैं आपको बताती ये यूज़ किए हुए टी बैग्स हैं, तो आप जब सोकर उठते हैं तो आपको उनको अपनी आँखों पर इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आपको 5 से 10 मिनट इनको रखे रहने देना है, तो आपकी आँखों की फ्लफीनेस, रेडनेस दूर हो जाएगी और आपकी आँखें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। जिन लोगों को डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी इस हैक्स को ट्राई कीजिए, उनके काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। किए हुए टी बैग से ही मैं आपको स्क्रब बनाना बताऊंगी, क्योंकि इस मौसम के अकॉर्डिंग ये स्क्रब आपके स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी स्किन पर रेडनेस आ गई है या दाने दाने से निकल आए हैं तो आप इस टाइम पर स्क्रब ना करें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो ये यूज़ किया हुआ टी बैग है, मैंने इसको कट कर लिया है और मैं इसके अंदर से ये निकाल लूँगी टी इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर एक छोटा चम्मच मैं इसके अंदर हनी को डाल दूंगी इस तरीके से। देखिए, हनी सभी की किसी भी टाइप की स्किन हो, हनी सबको सूट करता है। हनी हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी इस तरीके से। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा स्क्रब होगा आपकी स्किन के लिए। मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताऊंगी। मैं ये स्क्रब अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और आपको इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से लगाना है और हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करते जाना है इस तरीके से। आपको बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है। मैंने इसे स्क्रब को 3 से 4 मिनट तक अपने स्किन पर हल्के हाथों से रब किया है इस तरीके से, और अब ये पूरी तरह से डन हो चुका है और अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। जो लोग स्क्रब नहीं कर पा रहे हैं ग्रीन टी से, तो उनके वो कैसे ग्रीन टी को यूज़ करेंगे, तो उनके लिए भी है। मैं ग्रीन टी से आपको एक फेस पैक बनाना बताऊंगी, जिससे आप ग्रीन टी को अपने स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं चलिए मैं बताती हूँ।
फेस पैक को बनाने के लिए आपको यूज़ किया हुआ टी बैग यूज़ नहीं करना है, आपको फ्रेश टी बैग यूज़ करना है। उसे कट कर लेना है और उसमें से निकाल लेना है ग्रीन टी को। इसकी क्वांटिटी इतनी होती है मतलब। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, इसके अंदर आपको डालना है सिनेमन का पानी, यानी जो दालचीनी होती है उसको मैंने इतना सा लिया और उसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। इस तरीके से थोड़े से पानी के अंदर उसको भिगो के रख दिया है और इस पानी का हम यूज़ करेंगे इसका फेस पैक बनाने के लिए। और इसके लिए हमें चाहिए रोज़ वाटर और एक चम्मच हनी, और थोड़ा सा हमें इसके लिए चाहिए नींबू का रस। तो इस फेस पैक को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमें थोड़ा सा सिनेमन का पानी डालना है, हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके डालना है, यानी कि इसमें जितना यूज़ होगा उतना हमें डालना है। एक चम्मच, दो चम्मच, और इसको मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा सा हमें भीगने देना है, इसको 3 से 4 सेकंड तक के लिए इसको भीगने देना है हमें इस पानी के अंदर। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच हनी। इसके अंदर हमें आधा चम्मच के करीब हनी डालना है। हनी डाल दिया है और थोड़ा सा हमें रोज़ वाटर डालना है। और हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा सा नींबू का रस। इसके अंदर जो हमने दालचीनी का पानी यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है कि जो आपकी स्किन पर रेडनेस हो गई है, जो दाने दाने से निकल आए हैं आपके जो उंगलियों में, यह सब चीज आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको फंगस इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों के अंदर। तो जो दालचीनी का पानी है वो जो हमारी स्किन के अंदर बैक्टीरिया लग गया है, जो हमारी स्किन के अंदर हमारी स्किन को ख़राब कर रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हमने इसमें सिनेमम का पानी डाला है, यानी दालचीनी का पानी डाला है। वो हमारी स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है और हमारी स्किन को अच्छा बनाता है। तो आप इसे जहाँ भी आपको रेडनेस हुई है पैरों में, उंगलियों में, फेस पर, आप इस फेस पैक को हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं है। पैक हमने बनाया है वो कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर अलग अलग होता है और चाय पत्ती अलग होती है। तो हमें इसे ब्रश की मदद से तो लगा नहीं सकते, तो हमें इसे हाथ से लगाना होगा। तो हाथ से हमें इसे किस तरीके से लगाना है, इस तरह डैब डैब करते हुए हमें अपने चेहरे पे लगाते जाना है ताकि ये हमारे फेस पर इस तरह टिका रहे। इससे हम अपने फेस पे पूरी तरह से लगा चुके हैं और हमने यहाँ उंगलियों के बीच में जो जगह है वहाँ भी लगा लिया है। जहाँ जहाँ हमें इन्फेक्शन हुआ होता है हम इसे वहाँ वहाँ लगा सकते हैं। पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हुआ है तो हम इसे वहाँ भी लगा सकते हैं। और इसे हमें 10 से 15 मिनट छोड़ना है, तभी ये अपना असली फ़ायदा दिखाएगा। और इसके बाद में आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। फेस पैक लगाए हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और आप हमें इसे वॉश कर लेंगे। आई होप आपको मेरा ये स्किन केयर हैक विद ग्रीन टी आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये हैक्स पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।